नमस्ते दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉलर नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कॉलर नेक डिज़ाइंस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉलर नेक में कुर्ती की कटिंग इस तरह से होती है। बैक पोर्शन करीब 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। कॉलर कुर्ती की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ मैंने बैक पैनल में 3 इंच की चौड़ाई का नेक कट किया है और फ्रंट पोर्शन में 2.5 इंच की चौड़ाई का नेक कट किया है। देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद जब हम तीरे को जोड़ेंगे तो जो आगे के गले की टोटल लंबाई है वो 3.5 इंच आएगी। इस गले की पूरी मेज़रमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में मिल जाएगी। देखिए, यहाँ मैंने जो टोटल लेंथ है नेक की, वहाँ तक नीचे वी में कट किया है। अब सबसे पहले हम इस वी शेप की सिलाई करेंगे। नीचे की तरफ से हमें इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है और वी शेप को सिलना है। अब यहाँ बिल्कुल एंड तक हम कट लगाएंगे और इस कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब इसे एक कच्ची सिलाई से इसे फिक्स करेंगे। इस तरह पूरा वी शेप रेडी होने के बाद ऊपर की तरफ अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे कट कर लें। अब यहाँ पैटर्न बनाने के लिए पहले हम बिल्कुल सेंटर में एक मार्क करेंगे तो हमारी स्ट्रिप्स बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो पाएंगी। अब पहली स्ट्रिप को हम इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल ऊपर से किनारी से स्टार्ट करेंगे और जो सेंटर में मार्क किया है वहाँ पर अच्छे से सेट करते हुए सिलाई करेंगे। जहाँ तक भी आपको ये पैटर्न बनाना है वहाँ तक इस स्ट्रिप को कट कर लें। यहाँ मैंने करीब 14 इंचेस तक इस स्ट्रिप को रखा है। अब दूसरी स्ट्रिप को भी इसके ऊपर चढ़ा के और इस तरह से किनारी पर सिलाई करेंगे। इस तरह स्ट्रिप की एक सिलाई करने के बाद यहाँ भी गले की गोलाई पर अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो उसे कट कर लें और फिर से गोलाई वाला शेप दे दें। अब यहाँ हम दूसरी स्ट्रिप को लेंगे, उसे थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से लेना है क्योंकि यहाँ स्ट्रिप गोलाई में भी फिर से कट होगी। अब पहली वाली स्ट्रिप को कवर करते हुए इस स्ट्रिप को हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। यहाँ कॉर्नर्स का अच्छा सा शेप देना है। अब इस तरह ऊपर तक हम सिलाई करके और इसको फिक्स करेंगे। अब बाहर की तरफ भी हमें इस स्ट्रिप को इस तरह अच्छे से फिक्स कर लेना है। देखिए, एक्स्ट्रा स्ट्रिप को मैंने कट कर लिया है। अब हम तीरे को जोड़ेंगे। कॉलर कुर्ती में तीरे को जोड़ने के बाद इस तरह से उसे खोल दें और अच्छे से इस तरह प्रेस कर लें। अब कॉलर की मेज़रमेंट के लिए कुर्ती को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। अब मेज़र टेप को हम पूरे गले पर इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए कॉलर के लिए मेज़र लेंगे। यहाँ 8 इंच का मेरा कॉलर आ रहा है। अब कॉलर के लिए मैंने ये डबल फोल्ड फेजिंग पेपर लिया है। पहले स्केल की हेल्प से यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन लेंगे।
अब जो भी कॉलर की मेज़रमेंट ली है वहाँ तक मार्क करना है। यहाँ 8 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। अब लंबाई में हम इस तरह 1.25 इंच पे मार्क करके हल्की सी गोलाई देंगे। अब बाहर की तरफ पूरे में 1.25 इंच पे मार्क करने के बाद सेम हम कॉलर का शेप देंगे। यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी है। इस तरह कॉलर के लिए पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे कपड़े पर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ मैंने 1/2 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है। उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इस तरह एक किनारी पर सिलाई करेंगे। तो जब हम कॉलर को अटैच करेंगे तो उसमें आसानी होगी। इस तरह कॉलर रेडी करने के बाद अब हम एक और स्ट्रिप लेंगे और इस कॉलर को इस तरह से सेट करेंगे। अब कॉलर को ऊपर की तरफ से हमें सिलाई करनी है। पूरे में इस तरह से सिलाई करने के बाद इस कपड़े पर भी हम नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरह से कट करेंगे। अब पूरी गोलाई पर हमें छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद कॉलर को सीधा करेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। कॉलर रेडी होने के बाद उसे अटैच करने के लिए कुर्ती को उल्टा रखें। अब यहाँ से हम इस तरह से कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉलर को बिल्कुल लूज छोड़ें और पूरे कुर्ती के गले पर इस तरह से अटैच करते जाएं। अगर आप कॉलर को खींच के लगाएंगे तो पहनने में ये अनकंफर्टेबल रहेगा। अब पूरी नेकलाइन पर इस तरह से कॉलर को अटैच करने के बाद इस कुर्ती को फिर से सीधा रखें और कॉलर को बाहर की तरफ इस तरह से घुमाएं। अब यहाँ मैंने कॉलर पर पहले ही किनारी पर सिलाई कर ली है। अब हमें इसे अटैच करने में भी आसानी होगी। नए नए कॉलर नेक डिज़ाइंस और डिफरेंट साइजेस के राउंड कॉलर की क्या मेज़रमेंट होती है, उसे इजीली किस तरह से अटैच किया जाता है, उसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। ये पूरी कॉलर नेक डिज़ाइन मेरी रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये कॉलर नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।